हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डेस्कटॉप पब्लिशिंग टिप्स। तो दोस्तों, आज जो टिप मैं आपको बताने वाला हूँ वो है एडोब एक्रोबेट में प्री फ्लाइट को कैसे इंस्टॉल करें। क्योंकि दोस्तों, कई बार क्या होता है कि जो प्री फ्लाइट है वो हमें फॉन्ट्स को कर्व करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ फाइल में से कलर चेंज करने के लिए, या क्रॉप मार्क्स ऐड करने के लिए, या और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो प्री फ्लाइट के माध्यम से किए जाते हैं। और यदि आप प्री प्रेस का काम भी करते हैं तो आपको प्री फ्लाइट की जरूरत पड़ सकती है। तो हम आज पीडीएफ अपनी टॉप वीडियो पर यही जानेंगे कि हम प्री फ्लाइट को किस प्रकार से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप अब स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि मैंने अपने सामने एडोब एक्रोबेट का सॉफ्टवेयर खोला हुआ है, और इसमें आप प्री फ्लाइट कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो आपने क्या करना है, आपने टूल्स पर क्लिक करना है। जैसे जनरली सभी बताएंगे कि आपको कैसे इंस्टॉल करना है, टूल्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर सर्च करेंगे आप प्रिंट प्रोडक्शन, और यहाँ नीचे देखेंगे आप ऐड लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत बढ़िया, हमने ऐड पर क्लिक कर देंगे। और इसके बाद जैसे आप ऐड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो टूल्स का मेन्यू होता है, पैनल होता है, वहाँ पर आपको प्रिंट प्रोडक्शन एक ऐड यहाँ दिख जाएगा कि यहाँ पर प्रिंट प्रोडक्शन का एक मेन्यू ऐड हो गया है। और आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ये प्री फ्लाइट का आउटपुट प्रीव्यू, एडिट के ऑब्जेक्ट, इसमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ तक तो दोस्तों बहुत अच्छा है। बट आप यहाँ पर यदि आपने प्री फ्लाइट पर क्लिक कर दिया इसके बाद, और आपके पास इस तरीके से कि मैसेज आ जाएगा कि प्री फ्लाइट इज गेटिंग इंस्टॉल, प्लीज़ वेट टू यूज दिस टूल, तो दोस्तों संभव है कि ये प्री फ्लाइट आपके सिस्टम पर कभी इंस्टॉल ना हो। क्योंकि यहाँ पर आने के बाद यह एरर दे जाता है, और उस एरर को कैसे रिजॉल्व करना है मैं आपको यही बताऊंगा कि आपने इस पर क्लिक नहीं करना है दोस्तों। आपने इससे पहले एक सेटिंग मॉडिफाई करनी है, और उसके बाद ही आपके सिस्टम पर प्री फ्लाइट इंस्टॉल होगा। और वो सेटिंग क्या है वो दोस्तों, तो आप जाएंगे एडिट प्रेफरेंसेस, और प्रेफरेंसेस में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप जाएंगे सिक्योरिटी इन्हेंस्ड पे, जो राइट साइड का पैनल है उसके अंदर। और जो इस टैब में जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर इन्हेंस प्रोटेक्शन मोड स्टार्टअप और इन्हेंस सिक्योरिटी दोनों आपके सिस्टम पर ऑन होंगे। आपने इनको जो टिक लगे हुए हैं, इन टिक्स को ऑफ करना है। ठीक है दोस्तों, यदि आप इनको ऑफ किए बगैर आपने यदि प्री फ्लाइट मोड को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे तो फिर ये आपको एरर देगा, जैसे कि मेरे सिस्टम पे दे रहा है। इस सिस्टम पे लगातार इसने एरर दिए और इंस्टॉल नहीं हुआ है। तो अब फिर मैंने क्या किया है कि अपने एक दूसरे लैपटॉप पर इन दोनों सेटिंग्स को ऑफ किया है, फिर इंस्टॉल किया है, तो ये बहुत ईजीली इंस्टॉल हो गया है बगैर किसी एरर के। तो मैं आपको अब उस सिस्टम की स्क्रीन दिखाता हूँ कि जिस पर ये इंस्टॉल हुआ है। इनको ऑफ करने के बाद, जब मैंने ऑफ कर दिया है, और अब मैं इसको बंद करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तो इंस्टॉल होने रहा है। मैं काफ़ी ट्राई कर चुका हूँ, आधे घंटे हो चुके हैं। अब चाहे मैं इसको इंस्टॉल करके इंस्टॉल करने की कोशिश करता हूँ, शायद हो, मुझे नहीं पता। बट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपने इसको अब कैसे इंस्टॉल करना है। तो आइए उसको देखते हैं। तो दोस्तों, ये जो आप स्क्रीन देख पा रहे हैं ये मेरे दूसरे लैपटॉप की है, जिसे मैंने एडोब एक्रोबेट इंस्टॉल किया हुआ है, और अब इसके अंदर हम प्री फ्लाइट को जो है वो इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों, वो जो सेटिंग मैंने आपको बताई थी सिक्योरिटी इन्हेंस्ड वाली, वो दो सेटिंग जो है मैंने यहाँ पर, आप देख पा रहे हैं कि मेरी जो स्क्रीन है इसे मैंने ऑफ़ की हुई है। और ऑफ़ करने के बाद अब मैं जो प्रिंट प्रोडक्शन का जो पैनल है उसको मैं ऐड करता हूँ टूल्स के माध्यम से। तो हम टूल्स पे क्लिक करते हैं, और टूल्स पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, प्रिंट प्रोडक्शन को मैंने किया ऐड, और यहाँ देखिए कि प्रिंट प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पर ऐड हो गया है मेरे पैनल के अंदर। और जब उसको मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं कि जो प्री फ्लाइट का मेन्यू है वो ऑलरेडी हाईलाइटेड है। और जब मैंने इस पर क्लिक किया दोस्तों, तो इसने इस बार यहाँ पर कोई एरर नहीं दिखाया था, जो लास्ट टाइम एरर दिखा रहा था कि आई एम कीप ट्राइंग टू इंस्टॉल एडोब प्री फ्लाइट, बट इस बार इसने कोई एरर नहीं थी और यहाँ पर वो इजीली इंस्टॉल हो गया है। अब दोस्तों, फिर मैं जब भी इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए कि जो पूरा प्री फ्लाइट का जो मेन्यू है, जो पैनल है, वो यहाँ पर खुल रहा है। और इसके अंदर सारी सेटिंग्स भी हैं, जिससे क्योंकि प्री प्रेस वाले ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो दोस्तों यदि आप प्री प्रेस में काम करते हैं तो आपके लिए सारी जो टूल्स हैं, जो फीचर्स हैं, क्योंकि इसके अंदर फॉन्ट को कर्व कैसे करना है, कलर कैसे चेंज करना है, क्रॉप मार्क कैसे ऐड करने हैं, किसी भी पीडीएफ फाइल के अंदर, वो सब चीज़ें जो है बड़ी आसानी से की जा सकती हैं। तो यदि आप भी
इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं या आपको जानते हैं इसके बारे में और आपको सिस्टम पर इंस्टॉल नहीं हो रहा था, तो आप मेरी जो ट्रिक बताया है मैंने आपको कि सिक्योरिटी इनहेंस की सेटिंग है उसे ऑफ़ कर दीजिए, और उसको ऑफ़ करने के बाद आपके सिस्टम पर भी ये इजीली इंस्टॉल हो जाएगा, तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये टिप कैसी लगी मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और इससे पहले कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की टिप जो है मैं अपने चैनल पर हमेशा डालता रहता हूँ जो आप लोगों को काफ़ी फायदेमंद हो सकती हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।